हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ। सो गाइस, आज हम दोनों बहन जा रहे हैं। हम दोनों बहन एक दूसरे का चप्पल चॉइस करके देंगे। आज मैं साहबा को पसंद करके दूंगी और ये मुझे पसंद करके देगी। गाइस, मेरा चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, आप लोग तो जानवे करते हैं। नो गाइस, ये किधर भपी मत रहना आप सभी। इसका चॉइस वहाँ बेकार रहता है। आज इतना काला क्यों लग रहे हैं हम लोग? शाम गिर गया ना। शाम कैसे गिर सकता है भला, देख लो। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर तो ज्यादा अंधेरा तो ज्यादा नहीं बोले, माही शाम पड़ रहा है। ठीक है, पड़ने दो, बारिश होने दो, कोई बात नहीं। और साथ में गाइस मेरी अम्मी भी जाएगी, वो रही। देखते हैं किसका चॉइस ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है मेरा अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं। पहुँच कर दिखाते हैं। फोटो में बैठ चुके हैं। 30 रुपया 20 रुपया हो चुका है स्टार्ट। अब क्या कर सकते हैं। टोटो से जाने के बाद हमें कुछ देर पैदल चलना पड़ा, लेकिन पीछे अम्मी और नाजिया कुछ ज़्यादा ही गंभीर मसले पर बात कर रही थी, तो हम लोग सुन सुन कर हंस रहे थे। उसके बाद हम लोग चलते चलते कैमरा इधर कर लेती है, साहिबा पता नहीं क्या देख लेती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा मुँह दूसने के बाद दुकान पहुँच ही जाते फाइनली। सो दुकान पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ कुछ बकती हूँ, लेकिन वो वॉइस मैंने ऐड नहीं किया है। इससे आ जाता है ये वाला चप्पल पसंद, तो ये काफ़ी सोचने के बाद ये चप्पल आखिरकार ले ही लेती है। उसके बाद मैं इधर उधर नज़र फेर रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसको चुना जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी ढूंढने ही लगी। ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक ये वाला चप्पल जो साहिबा पहनी है, जो थोड़ी देर पहले दिखाए थे आप सभी को। मैंने बोला था ना, ये चप्पल ये लेकर ही रहेगी। मैंने इसे इसकी आंखों में देख लिया था कि ये चप्पल इसकी आंखों में गड़ गया है। उसके बाद ये अपने फेस दिखाने लगी कितनी स्मार्ट लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इसके बाद मुझे दिखाने लगी और मैंने हम लोगों ने इन्हीं की दुकान से ये चप्पल लिया। मुझे तो ये चप्पल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने तो उसी वक्त हाँ कर दिया कि नहीं, मुझे यही चप्पल लेना। लेकिन फिर भी मेरी निगाहें जो है किसी और चप्पल पर जा चुकी थी। क्या कर सकते, आदत है ना, चप्पल ले लो फिर भी दूसरा तीसरा चप्पल पहन पहन के नहीं देखने से ना अंदर शांति नहीं मिलती हमें। तो अंदर शांति के लिए मैंने 2-3 चप्पल ट्राई करके देखा, पहले ये ब्लैक वाला। उसके बाद मैंने बोला कि ये चप्पल तो ठीक ही लग रहा है, देखते हैं। फिर भी मैं दूसरा चप्पल देखने लगी। ये कुछ बोल रहे थे, इसे इग्नोर कर देते हम लोग, क्योंकि इसे चप्पल नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने ये चप्पल भी ट्राई किया, ये चप्पल तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो उसके बाद हम लोगों ने चप्पल खरीद ही लिया। फिर शॉप से इतने सारे चप्पल खरीदने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। 7-8 झोला हम लोगों ने दुकान से लेकर निकले ना, सब हमारे इधर देख रहे थे, सोच रहे होंगे कि इन लोगों को लगता चप्पल ख़त्म हो गया सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बक रही थी तो इसकी बकवास सुनते हैं। कोई चप्पल नहीं टूटा था, मैं गवाह हूँ इस बात का, लेकिन इन लोगों के मन में जो है ना शांति नामक कोई चीज़ नहीं है। चप्पल पर चप्पल, चप्पल पर चप्पल, चप्पल के ऊपर चप्पल। गाइस, हम लोग ना शादी उदी में जाएंगे ना, क्या पहन के जाएंगे, मुझे जूता पहनेंगे ना, इसलिए शादी में चप्पल लगता है आदमी का। इसलिए तो हम लोग फिर शादी में जाने वाले, आप लोग ब्लॉग जरूर देखना शादी वाला। हम लोग तो अपलोड करने करेंगे, तो आप लोग देखने करेंगे, हमको मालूम है चीज। इस बार ये शादी भी काफी ज्यादा दूर होने वाला है। सब चप्पल हमको पकड़ा दिया ब्लॉगिंग का बहाना, वही अपना चप्पल ले। रुको, मैं तो फोन पकड़ी हूँ, गिर उड़ जाएगा तब। गिरने दो चप्पल अपना पकड़ो। नो गाइस, मैं ज्यादा चप्पल नहीं खरीदती हूँ, 1-2 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है। ओह, 1-2 हर साल ही लेता है, साल में एगो लेते हैं, एगो चप्पल टूटता है तो। मेरा कहने का मतलब मंथ है, कभी कभी एक वीक में आ गया तो बस, इतना सारा कपड़ा किन लेते हैं। तुमने कई को चप्पल किना, हिसाब देना अभी जरा। मैंने तो एक वो खरीदा दोस्तों, तो अम्मी जबरदस्ती खरीदवा ली, बोला कि ले लो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो ले लिया। हम लोग रोड क्रॉस होना है एवरी वन, हम लोग अब घर पर जाकर दिखाएंगे क्या क्या शॉपिंग किया। तो गाइस, कल रात हम लोग आकर कुछ ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग सो गए थे। तो सुबह हो चुकी है, सुबह उठने के साथ साथ मुझे याद आया कि कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि आप सभी को घर जाकर चप्पल दिखाएंगे। अभी मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि हम लोगों ने दिखाया नहीं, खाना पीना खाकर सो गए। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं सभी चप्पल दिखा पाऊँ। सो ये पहला बॉक्स जो है किसका है पता नहीं, देखते हैं इसमें किसका चप्पल है। ये तो मेरा ही है चप्पल, ये जूती है मेरा। गाइस, ये चप्पल मुझे देखते ही एक आंखों में ही मुझे पसंद आ गया था कि नहीं, मुझे लेना है तो बस यही चमकीदार चप्पल लेना है, वरना और कोई चप्पल नहीं लेना है। देखते हैं कितना नंबर है। ये चप्पल 7 है, लेकिन मेरे साइज का है। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना। नेक्स्ट चप्पल देखते हैं कितना है।
तो गाइस ये जो है ये मेरी अम्मी ने लिया था, नहीं टूटेगा लगता है। ये चप्पल भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कभी कभार मैं भी पहन लिया करूँगी। अभी तो हम लोग अम्मी के साथ ऐसा ही करते हैं, अम्मी कुछ भी खरीद के लाती है, कोई भी नया चप्पल या तो मैं पहन लूँगी साहिबा, क्योंकि हम लोगों का चप्पल सभी को आता है। तो ये रही साहिबा की, जब देखो ऐसे चप्पल खरीदती है पता नहीं क्यों, इसके पैर में लगता है कुछ ज़्यादा ही धूल है। देख लो यहाँ पे, आप लोग देख, पैर नहीं धोती कभी तो क्या होगा, किसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैर धोगी नहीं चप्पल पहन, लगता पैर धोकर नहीं गई थी। इसमें किसका इसमें मैं चाहूँगा चप्पल, जब कॉलेज जाती है तो उस टाइम उसके पास कोई चप्पल नहीं रहता है, तो इसलिए ये उसने ले लिया। इतना ब्लैक बेकार नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा। आप सब बताना ये चप्पल आप सभी को कैसा लगा, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, फिर आप सब फिर बता देना खास किसका चप्पल है, आप सभी देख ही सकते हो। तो गाइस हम लोगों ने इतना ही खरीदा, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाए, क्योंकि चप्पल दुकान इतना सारा ले लिया ना हम लोगों के, उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। आज के लिए इतना ही, सो बाय।